हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक पिस्टल शूटिंग के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार एक मकान बनाने के लिए हमें एक मजबूत फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छा शूटर बनने के लिए, एक चैम्पियन बनने के लिए आपकी जो शुरुआती समय है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेन चीज़ है आपका शूटिंग पोजिशन। आमतौर पर देखा गया है कि जितने भी शूटर है वो स्टैंडिंग से शुरू करते हैं, बट स्टैंडिंग से शुरुआत करने का नुकसान ये है, मूवमेंट का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट अगर हम बेसिक से शुरुआत करें, यानी कि सिटिंग पोजीशन से अगर शुरुआत करें, तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सिटिंग पोजीशन में विदाउट किसी मसल टेंशन के, विदाउट किसी मूवमेंट के हम क्लियर करते हैं। तो आइए बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको जिक्र करूं, आपको प्रॉपर एसेसरी की ज़रूरत होती है, प्रॉपर इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत में ही हम वो सारे के सारे इक्विपमेंट एक शूटर को देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आई ब्लाइंडर। तो आई ब्लाइंडर एक शूटर के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आई ब्लाइंडर से आपके जो आई मसल्स हैं, ऐसे ही खाली उसको बंद करके करते हैं तो वो झपकती रहती है, तो उस आई मसल्स टेंशन की वजह से हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते जो हमें एक करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिटिंग पोजीशन में। सबसे मेन जरूरी है आपका सिटिंग पोजीशन। उसके लिए हमें एक चेयर लगती है। चेयर आपकी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, कितना ऊंचाई पे आपको रखना है, कितना डाउन रखना है। तो सबसे पहले हम सीटिंग पोजीशन की बात करें, तो सीटिंग पोजीशन में आपका दोनों पैर आगे से जो है पैरेलल होने चाहिए। देन एक प्रॉपर डिस्टेंस जो हम आगे चल के स्टैंडिंग पोजीशन में शुरू करेंगे, वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है। देन आपका जो बैक पोजीशन है, जो आपका बैक जो जॉइंट है यहाँ पे, इस जॉइंट को आप ब्लॉक रखेंगे, बट विदाउट किसी मसल स्ट्रेस के, विदाउट किसी टेंशन के। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड पोजीशन की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड आपका रिलैक्स एंड कंफर्टेबल एक जगह प्लेस करके आपको रखना है, उसमें कोई भी टाइटनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि मसल्स टाइट नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद हम नेक पोजीशन की बात करते हैं। तो नेक में भी आपका जब आप पोजीशन लें तो स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, वो नॉर्मली जितना आप टर्न कर सकते हो विदाउट किसी स्ट्रेस के, उतना ही उसको आपको टर्न करना है। सपोज कोई बहुत ज़्यादा मोटा खिलाड़ी होता है तो उसको ये नेक मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हमारे पास ये जो हमारा बेस है सिटिंग पोजीशन के, उसको हम उसी तरह से टर्न कर सकते हैं, थोड़ा एंगुलर हम रख सकते हैं। तो नेक पोजीशन आपको उसी प्रकार लेनी है। दूसरा, नेक की जो स्थिति है वो बिल्कुल बॉडी के मिडिल में होनी चाहिए, आगे या पीछे की तरफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मिडिल में रिलैक्स उसको लॉक करें। देन उसके बाद हम पिस्टल का ग्रिप करते हैं। ग्रिप भी हमारा इस शूटिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ग्रिप किस प्रकार करना है, किस तरह की ग्रिप हमारी होनी चाहिए, यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब आप शूटिंग की बात करते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी, उसकी भी मसल्स मेमोरी हर जगह काम करती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को अगर हम डिस्पोजल गिलास में पानी डाल के दे दें तो उस पानी को वो छोटा बच्चा भी गिरने नहीं देता है, जबकि उसका पन्नी जो है बहुत नाजुक होती है, वो पानी गिरने के चांस हो सकते हैं, बट उसकी जो मसल्स मेमोरी है हैंड की, वो उसको पता होता है कि उसको कितना दबाने से वो पानी गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रिप में वो खांचा दिया गया है जिसमें हमें अपना हाथ को सेट करना है, यानी कि पाम को सेट करना है। थंब की प्लेसमेंट भी उसमें दी गई है, तीनों फिंगर जो आगे फ्रंट में रहती है उनकी भी प्लेसमेंट के लिए उसमें एक खांचे दिए गए हैं। तो उस तरह से हम उस प्रकार से हाफ वे में ग्रिप करेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। देन उसके बाद हम अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट में आपको आपकी आई का जो आपका जो कार्निया होता है आई का, उसके जो आई का पीपल जो होता है उसके सामने, उसको बिल्कुल सामने से देखना है। कई शूटर क्या करते हैं, मैंने देखा है
कि उनकी गर्दन ज़्यादा टर्न नहीं हो रही, तो आई को टेढ़ी करके देखते हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी आई मसल्स टेंशन शुरू हो जाती है। तो हमें नेचुरल उसी एंगल में अपनी सीटिंग पोजिशन सेट करनी है जिसमें आप नॉर्मली गर्दन को टर्न करके आई को बिल्कुल सामने से बैक साइड यू के आकार की होती है उस पर फोकस कर सकते हैं, और फ्रंट साइड आई के आकार की टिप होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो बिगनिंग में हम लाइव टारगेट नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्लैंक टारगेट यूज़ करेंगे। ब्लैंक टारगेट का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होता है इसमें कि हमारा जो बैक साइड और फ्रंट साइड है दोनों ब्लैक होती है पिस्टल की। उसमें जब हम ब्लैक को येलो कार्ड के ऊपर बिल्कुल ब्लैक पे देखते हैं तो हम आसानी से ये जज कर पाते हैं कि हमारा हाइट दोनों की बैक साइड की और फ्रंट साइड की जो हाइट है वो पैरेलल है, और दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो 50-50 हम जज कर सकते हैं आसानी से। दूसरा, उसको हम सपोर्टिंग में क्यों करते हैं, उसको यहाँ से हम एक सपोर्ट लेके क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब बिगनिंग में कोई शूटर हमारे पास आता है तो उनकी जो मसल्स है वो उस तरह के स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो 1 kg सिंगल हैंड से वो स्टेबल रख पाए। तो यहाँ पे हम सपोर्टिंग में उसको इसलिए कराते हैं कि विदाउट मूवमेंट के उसका जो बैक साइड और फ्रंट साइड का हाइट पैरेलल एंड डिस्टेंस सेम का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर होके उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे फिर उस तरीके से हम उसके आगे हम चले तो ट्रिगर की बात करते हैं। ट्रिगर फिंगर प्लेसमेंट आपका जो होना चाहिए वो जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो स्पंजी पार्ट है, ट्रिगर फिंगर आपका प्लेस यहाँ से होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा फॉरवर्ड आगे से करते हैं तो हमारा जो शॉट का डायरेक्शन है ड्यूरिंग द ट्रिगरिंग वो चेंज हो जाता है, लेफ्ट या राइट जाने शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रकार हम ट्रिगर फिंगर प्लेसमेंट चेक करेंगे। देन ट्रिगर को फर्स्ट पुल एंड सेकंड पुल, दो पुल होते हैं, फर्स्ट पुल और सेकंड पुल। तो फर्स्ट पुल में हम और सेकंड पुल में उसको फ्रंट टू रियर वेट को क्रिएट करते जाना है। तो उस तरीके से उसको हम ट्रिगरिंग भी अच्छे से अवेयरनेस ट्रिगर के बारे में भी ला सकते हैं, क्योंकि हमारा मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो रहा है, हमें कोई वेट उठाना नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि अगर 10 हमारे शूटिंग के सीक्वेंस होते हैं तो उनमें से 9 सीक्वेंस हमारे शूटिंग में क्लियर हो जा रहे। इससे अगले लेवल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।